हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आई एम सो सॉरी, मैं इस 1-2 महीने के ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, बट बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़ मैं नहीं बना पाई वीडियोस, बट इट्स ओके। आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि मैं आप लोगों के लिए कितना प्यारा मीशो हॉल लेके आई हूँ। मतलब आज का जो एक अराउंड 10 to 12 आउटफिट्स हैं, जो एक आउटफिट है ना, वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आई एम श्योर कि ये वीडियो देख के आप कुछ ना कुछ तो बाय कर ही लेंगी, क्योंकि सारे के सारे अंडर बजट हैं। ये जितने भी 10 to 12 आउटफिट्स हैं, दे आर अंडर ₹200 से लेकर अराउंड ₹380 तक। इससे ज़्यादा कोई भी आउटफिट नहीं है, और सारे जो आउटफिट्स हैं वो ऐसे ना इतना रिच लुक दे रहे हैं, इतना प्यारा लुक दे रहे हैं। आप ये जो स्वेटर देखना है ना, ये भी मैंने मीशो से ही परचेज़ किया है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अंडर ₹380 ऐसे अराउंड के अंदर ही है। और तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो देख के, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बाकी बातें हम बाद में करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Okay, so let's start with the very first article, which is this one. This is this green hoodie. ये मैंने इसमें लॉस एंजलिस लिखा हुआ है, yes, कैलिफोर्निया, और ये ना मैंने साइज़ M में ऑर्डर किया था, ये वाला हुडी। तो see, if you are of like same size like me, जैसे मेरा साइज़ है, मैं मोस्टली M साइज़ ही वेयर करती हूँ, which is for size बस साइज़ 36। तो ठीक है, तो मैंने ना एक एक्स्ट्रा मंगवाया था इस बार सारे हुडीज़ में, क्योंकि हम हुडी ऑब्वियसली हम ऐसा बॉडी हगिंग वाला पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने ना ये साइज़, इसमें एम साइज़ जो था वो 38 था, तो मैंने ये ऑर्डर किया था। बट ये क्या है, जैसे हुडी में हमें ना थोड़ा बैगी लुक पसंद होता है, थोड़ा ऐसे ओवरसाइज्ड लुक हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ताकि मतलब ऐसे सर्दियों में ऐसे ज़्यादा, क्योंकि हम लेयर टू लेयर पहनते हैं अंदर 2-3, तो उसमें ऐसा अजीब सा घुटन सा ना हो, इसलिए हम थोड़ा ऐसे बैगी लुक वाला पहनते हैं। तो मैंने ये साइज़ M38 ऑर्डर किया था, बट ना ये मुझे ऐसा थोड़ा सा मतलब फिटेड है, साइज़ नॉर्मल है, इतना कुछ नहीं लग रहा है, बट जैसे मैंने बोला कि ओवर थोड़ा सा ओवर होना चाहिए एक साइज़, तो मैंने ये 38 में ऑर्डर किया था। बट अगर आप मेरे साइज़ के जैसे हैं, तो आप लोग ना एल साइज़ ऑर्डर करना, आप लोगों को सच में बहुत अच्छा लगेगा ये। वैसे तो इसका क्वालिटी फैब्रिक की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बट आप एक साइज़ मतलब जो है इसका बड़ा ही ऑर्डर करना, ताकि आपको ना थोड़ा एक अच्छा सा लुक प्रॉपर बन पाए। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस ऑफ दिस। ये फ्रॉम माई साइड आई एम गोइंग टू गिव इट अ 10 on 10। मतलब जो आज सारे के सारे आउटफिट हैं, मैं उनको 10 on 10 पहले से ही दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं क्वालिटी के मामले में, और मतलब कहीं से भी ऐसा कुछ ये नहीं किया हुआ है कि प्राइस कम है तो कहीं से इनको थोड़ा कम अच्छा वो करा हो। सब कुछ स्टिचिंग वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। तो इसका जो प्राइस है, लेट मी प्लीज़ गिव मी सम टाइम, हाँ मुझे थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा इसका। यस, दिस ग्रीन हुडी इज प्राइज्ड एट ₹259। इसका जो प्राइस है वो ₹259 है ये वाला। ओके, तो अगर आप इनमें से कुछ भी हुडीज़ लेंगे, आगे भी मैं आपको बता दूंगी बीच में वीडियो के, तो आप इनमें एक साइज़ एक्स्ट्रा ही लेना, ताकि आपको एक अच्छा सा थोड़ा सा ऐसे बैगी लुक मिले, और काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल, क्योंकि जैसे हम हाई नेक वगैरह या फिर कोई अंदर वार्मर वेयर करते हैं, तो उनके साथ ऐसे थोड़ा सा बैगी लुक अच्छा लगता है, और ताकि मतलब थोड़ा सा फ्री सा कम्फर्टेबल सा हमें फील हो सके। ओके, तो ये बहुत ही प्यारा है हुडी, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। और ना इनके पास ना, जैसे अगर ये अवेलेबल नहीं भी होंगे अब, तो इनमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा और भी दूसरे टाइप के भी मिल जाएंगे आपको हुडीज़, जिसमें यहाँ पे मतलब कुछ और लिखा होगा या कुछ ऐसे अलग सा कुछ आर्ट बना हो। उनके पास, मीशो के पास काफ़ी सारे डिफरेंट पैटर्न्स अवेलेबल हैं, तो अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप लोग और भी मोस्टली चेक कर सकते हैं। लेट मी शो यू, कुछ पैटर्न्स मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जैसे अगर आपको ये वाला पैटर्न पसंद ना आए लॉस एंजलिस वाला, तो आप दूसरे पैटर्न्स भी चेक कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, लुक एट दिस। और ना काफ़ी प्यारे प्यारे पैटर्न्स अवेलेबल, और इसी प्राइस भी इनका ना बहुत कम है, जैसे यहाँ पे प्राइस भी लिखे हुए, तो इनमें से भी वो 40-50 रुपये से तो कम कर ही देते हैं। जस्ट लुक एट देम। और ये सारे के सारे हुडी ना, मैंने इनके रिव्यूज़ भी चेक करे, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, लोगों ने पिक्चर्स वगैरह डाली हुई थी, तो बहुत अच्छे हैं, वार्म भी हैं, और बहुत ही जैसे आजकल के ट्रेंडी लुक्स के लिए हमें चाहिए होते हैं, वैसे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लुक अवेलेबल हैं। जस्ट एक ये वाला हैव अ गुड डे, कितना प्यारा है ना, और इनका ना फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप ज़रूर से चेकआउट करना। दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट परचेज। नेक्स्ट वन इज़ दिस प्रिटी सा वाइट कलर का फरी स्वेटर। हाँ, ये ऐसा ना क्रॉप स्वेटर काइंड ऑफ है, ऐसा कुछ में है। दीज आर द स्लीव्स और काफ़ी सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इसका मटेरियल और ये ऐसे बिल्कुल हाई नेक तक है, बिल्कुल आपको यहाँ तक जाएगा। आपको मैं पिक्चर्स एंड वीडियोज़ यहाँ पे दे दूँगी कहीं पे स्क्रीन में। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे ऊपर तक इसकी चेन ऐसे बंद होगी और आप चाहे तो इसको खोल के भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ये भी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पट से बंद होता है तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करके रखा है क्योंकि मैंने अंदर से हाई नेक वेयर किया हुआ है। तो कितना मतलब एक अच्छा सा लुक दे रहा है, ट्रेंडी लुक दे रहा है। और इस जो स्वेटर का प्राइस है वो है अराउंड, लेट मी चेक, वेट, वाइट फरी हुडी का है, इसका प्राइस है 374 और ये आपको ऐसा क्रॉप लुक देगा और बहुत ही जैसे ना कंफर्टेबल है और डिसेंट सा लुक देता है और काफ़ी ट्रेंडी लुक देता है। सो दिस इज ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। बहुत ही प्यारा आउटफिट है और ना बहुत ही प्यारा स्वेटर है। फंबल हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। इट्स ओके, आई नो आप लोग समझेंगे। ओके इसका मैंने आपको बता दिया प्राइस। तो चलिए नेक्स्ट ब्यूटिफुल हुडी के तरफ चलते हैं विच इज़ दिस वन। चलिए पहले ये दिखाती हूँ। सी वैसे ना हम जैसे अगर हमारे घर के अगल बगल भी कोई मार्केट वगैरह है या कोई मार्ट वगैरह है तो उसमें भी अगर हम जाते हैं तो सी रीज़नेबल प्राइस में तो मिल जाती हैं हमें चीज़ें। बट जैसे अगर हम हुडीज़ की बात करें तो मुझे ना जैसे मैंने चेकआउट किए तो दे मोस्टली स्टार्ट फ्रॉम 600 और ऐसे 1000-1200 तक ऐसे उनकी रेंज आती है। बट सी इनकी क्वालिटी भी इतनी प्यारी है और मतलब हर चीज़ मतलब इनमें इतना अच्छा है, पैटर्न से लेके पॉकेट्स से लेके मतलब इनका क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक और सब कुछ, और बिल्कुल विंटर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल मस्त। और ये हुडी में ऐसा भी दिया हुआ है, कैप भी मिल जाएगी आपको और ना मतलब बहुत ही प्यारा, मतलब वही सेम प्रॉपर कंफर्ट के साथ आपको और इतने रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा हो तो आपको ज़रूर लेना चाहिए ये चीज़। तो दिस इज़ दैट नेक्स्ट हुडी। ये ऐसा कुछ है, आगे से इसमें ऐसा क्यूट सा पपी बना हुआ है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दूसरे टाइप के पैटर्न्स अवेलेबल हैं आपको। जैसे एक हुडी आप चेकआउट करेंगे, उसमें क्लिक करेंगे ना तो उसके नीचे आपको मतलब प्राइस के नीचे यहाँ पे आपको अराउंड 7 to 8 इसमें पैटर्न्स मिल जाएंगे। जितने भी मैं आपको दिखाऊंगी आज हुडीज़ उनमें इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स अवेलेबल हैं और इसका जो प्राइस है वो है 364 रुपीज़ ओनली। ये सिर्फ 364 रुपीज़ का है। ये मैंने साइज़ एम में ऑर्डर किया था। यस, अगर आप मेरे सेम साइज़ के हैं और आपको थोड़ा सा ऐसे बैगी लुक पसंद है हुडी में तो आप ज़रूर एल साइज़ चेकआउट करना, एम साइज़ मत लेना क्योंकि इनमें से जो आज मैंने परचेज़ किए हैं ये मेरे को ऐसा फिटेड है बट मुझे ना थोड़ा सा ढीले ढाले पसंद है। मतलब जैसे मैंने अंदर से 2-3 लेयर अगर वेयर किया हुआ है तो मेरे को नेक्स्ट जो लेयर मैं वेयर करूँ जैसे हुडी वगैरह तो मुझे थोड़ा सा बैगी लुक वाली पसंद है। तो अभी मैं इनको रिटर्न करवा के इसमें एक बड़ा साइज़ लूँगी जो कि एल साइज़ होगा। तो अगर आपका भी सेम साइज़ है तो आप भी एल साइज़ ही प्रेफर करना। नेक्स्ट इज़ दिस प्रिटी सा, वार्म सा, बहुत ही कोजी सा आउटफिट, ये कोजी सा स्वेटर, सॉरी। तो ये कुछ इस तरीके से है। लुक एट दिस। ओहो, इसमें ना मेरे हाई नेक से मे बी ये वाइट लग गया है थोड़ा सा। ओके तो ये कुछ ऐसा है। इसमें ये लिखा हुआ है कैलिफोर्निया द बेस्ट जूनियर, पता नहीं क्या, तो ऐसा कुछ है। ये भी काफ़ी कोजी सा है और इसके अंदर भी आप अगर ऐसे हाई नेक वेयर करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे आपको एंटायर लुक मतलब हर वीडियो में मैं यहाँ पे देती रहूँगी, ऐसा वेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। मैं आपको पास से भी आप एक बार देख सकते हैं, ये ऐसा कुछ है। इसका वॉर्म है, अच्छा है, अंदर से आप वार्मर वगैरह कुछ पहनेंगे तो ट्रेंडी भी हो जाएगा और कंफर्ट के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसे कुछ होता है ना जो बहुत ही चुभने वाले, बहुत हैवी होते तो ये मतलब काइंड ऑफ फैब्रिक होते तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये भी ऐसा आपको बिल्कुल हाई नेक तक ऊपर तक क्लोज करने के लिए आएगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे इसको स्टाइल करना चाहेंगे। तो ये जो है मुझे स्वेटर, फरी स्वेटर, ये मुझे पड़ा था, वेट, यस, ये मुझे पड़ा था 359 रुपीज़ में और ये वाला मैंने साइज़ एल में ऑर्डर किया था। एल में इसलिए क्योंकि इसमें वहाँ पे जैसे मैंने चेकआउट किया साइज़ चार्ट नीचे तो उसमें 38 बस साइज़ के लिए एल लिखा हुआ था तो मैंने एल के लिए आई गो विद द एल साइज़। तो दिस इज़ हाउ इट केम। और वैसे तो ये क्रॉप है तो मतलब इतना ज़्यादा मुझे लगा नहीं, ठीक है, ये ओवर साइज ही था, मेरे लिए परफेक्ट था साइज़। अगर आप मेरे साइज़ के हैं सेम साइज़ वेयर करते तो एल साइज़ विल बी द परफेक्ट वन फॉर दिस आउटफिट, फॉर दिस स्वेटर, सॉरी। ओके, तो अब मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने, ओहो आई एम सॉरी, काफ़ी ज़्यादा अभी हल्ला हो रहा है यहाँ पे, वेट। ओके, तो इसके अंदर से, इनके अंदर से जो मैंने ये हाई नेक वेयर किया है, ये मैंने 3 कलर्स में मंगवाए थे मीशो से। वन इज़ ब्लैक, अनदर वन इज़ वाइट एंड द थर्ड वन इज़ ब्राउन। तो मैं पहले आपको ब्राउन दिखा देती हूँ। ये वाइट मैंने वेयर किया हुआ है, ये है ब्राउन कलर का, ये कुछ ऐसा आएगा। बल्कि ना ये जो मैंने वाइट पहना हुआ है, ये इस वाले फैब्रिक से थोड़ा सा मुझे मोटा लगा। अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल है, ये भी अच्छा है। ये कुछ इस टाइप का है। और मैं आपको इन हाई नेक्स का प्राइस बता देती हूँ। तो मुझे ब्राउन हाई नेक पड़ा है 200 रुपीज़ का। इनका भी मैं जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप ज़रूर से चेकआउट करना। आपको सबके डायरेक्ट परचेजिंग लिंक मिल जाएंगे जो आपको डायरेक्टली मीशो साइज पे रीडायरेक्ट करेंगे। वहाँ से आप इनको आराम से परचेज कर सकते हैं। जो भी मैंने आज आपको आउटफिट दिखाया, ठीक है, जो ब्राउन आउटफिट है वो मुझे 200 रुपीज़ का पड़ा था। वाइट नॉट आउटफिट, आई एम सॉरी, जो वाइट हाई नेक है वो मुझे 235 रुपीज़ का पड़ा है। जो ब्लैक हाई नेक है वो मुझे 220 रुपीज़ का पड़ा है। और भी उनके पास काफ़ी डिफरेंट कलर की हाई नेक्स अवेलेबल हैं, बट यू नो ऐसे कि न्यूट्रल कलर जो है वो विंटर्स के लिए अच्छे जाते हैं। तो मैंने इन 2-3 हाई नेक्स को ऑर्डर कर दिया था मीशो से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आउटफिट पे चलते हैं अपने, विच इज़ दिस प्रिटी ब्राउन कलर का हुडी। जस्ट लुक एट दिस। हाँ, ये वाला हुडी जो था ये मेरे पे परफेक्ट आया, थोड़ा सा बैगी लुक वाला है। इसमें ना ऐसे ये ओवर थिंकिंग लिखा हुआ है। इसमें भी आपके पास अराउंड 5 to 6 पैटर्न्स उनके पास अवेलेबल थे। तो उनमें से मैंने ये वाला उठाया और एक ये वाला उठाया। आई डोंट नो मैंने 2 ब्राउन क्यों मंगवाए, नहीं मतलब ये अच्छे, दोनों अलग अलग पैटर्न के। एक ओवर थिंकिंग लिखा हुआ है, मतलब ऐसे बड़ा सा, और एक में ना ये ऐसे ब्रुकलिन न्यूयॉर्क लिखा हुआ है। तो मुझे ना ये भी अच्छा लगा, ब्राउन कलर, तो मतलब बहुत प्यारा सा डिसेंट सा लुक दे रहा था। तो मैंने ये मंगवाया क्योंकि इनके रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो मैंने इनको ऑर्डर किया। ठीक है, अब मैं इनके प्राइस आपको बता देती हूँ। जो ये ब्रुकलिन वाला है ये मैंने साइज़ एम में ऑर्डर किया था, आप एल साइज़ ऑर्डर करना, ठीक है। मैं अभी इनको चेंज करके, इनको रिप्लेस करके मैं इनमें एल साइज़ मंगवाऊँगी। दिस ब्राउन वन ब्रुकलिन वाले का प्राइस है 279 रुपीज़। और जो ये ओवर थिंकिंग वाला है, पहले आप इसका अच्छे से फैब्रिक देख लो, बिल्कुल अच्छा है। देखो कितना वार्म वाला फैब्रिक है, ये आपको देख के इसमें पता चल रहा होगा। ये इसके स्लीव्स हैं, यहाँ तक पूरे बड़े से ऐसे अच्छे से आते हैं, बहुत प्यारा लगता है। जस्ट लुक एट द बैगीनेस ऑफ दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। ऐसा कुछ है ये, और बैक से सिंपल है। तो हाँ, और ये ना मुझे ओवरथिंकिंग वाला जो पैटर्न है वो मुझे 277 रुपीज़ का पड़ा। मतलब इससे पहले वाला 79, ये वाला 77, मतलब 2 रुपये का फ़र्क, ठीक है। बल्कि ये सेम ब्रांड से ही है। तो चलिए मैंने बता दिया आपको, यस। और ये इन दोनों का ही जो फैब्रिक है, स्टिचिंग और पैटर्न, और मतलब बिल्कुल हर जगह से परफेक्ट है। कहीं से भी मुझे जैसे कई मैंने देखे हैं कि टॉर्न वगैरह की मतलब रहते हैं, फटे हुए आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को सारे के सारे आउटफिट मैंने एक साथ ही ऑर्डर करे थे, और सारे के सारे ना बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आए हैं। और मतलब दे आर परफेक्ट, दे आर जस्ट परफेक्ट। बहुत मतलब सारे के सारे आउटफिट काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ रिटर्न करवाऊँ, नहीं। आप आगे मेरी वीडियोस में, जितनी भी अभी सर्दियों की वीडियोस में देखोगे, आप मुझे इन्हीं में पाओगे, क्योंकि ये सारे के सारे ना आउटफिट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो द नेक्स्ट नेक्स्ट हुडी इज़ दिस। ये ऐसे स्किन कलर का है, और ना मैंने जब इसको ऐसे पैकेट से ओपन किया, पैकेजिंग ओपन की, तो मैंने ऐसे देखा स्किन कलर, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा शायद मैं ये रिटर्न करवाऊँगी कि मुझे ज़्यादा पसंद ना आए, मतलब मुझे ऐसा लगा था। बट बाय द टाइम आई वोर दिस, वाओ, यहाँ पे आप देख लोगे, सॉरी मैंने यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे ढेर बना दिया है इनका, आई एम सो सॉरी। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगा है मुझे वेयर करके। यहाँ पे ये ऐसे हार्ट वाला डिज़ाइन है, इसमें भी शायद 1-2 पैटर्न्स अवेलेबल हैं उनके पास। और ये है प्रॉपर बैगी लुक जो मुझे चाहिए था। ये मैंने साइज़ में ऑर्डर किया था, ये साइज़ है आपका लार्ज, येस। ये आपको बिल्कुल परफेक्ट, ये मैंने 40 साइज़ ऑर्डर किया था, और बहुत ही अच्छा है। इसमें ये पीछे आपको कैप मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सा सिंपल एंड सोबर पैटर्न मिलेगा, और बहुत ही अच्छा ये हुडी है। और ये हुडी मुझे पड़ा था, यस, ये हुडी मुझे पड़ा है 385 रुपीज़ का। तो मतलब ये लास्ट मेरा मतलब अभी यहाँ का आउटफिट है, ये लास्ट आउटफिट था और ये आउटफिट मुझे 385 रुपीज़ का पड़ा है। मतलब इस हॉल में सबसे ज़्यादा का प्राइस का यही है 385 लास्ट, और जो सारे थे वो इसके अंडर ही थे। तो मैंने आपको बोला था ना कि आज के सारे आउटफिट्स 200 से लेकर 380 रुपीज़ के थे। आई एम सो सॉरी, मैंने ये वाला देखा नहीं था इसलिए 380 बोल दिया, पर इट्स ओके। तो इतने के अंदर ही थे और सारे के सारे आप देखोगे ना हॉल, मतलब यहाँ पे वीडियोस में देखोगे तो आपको सारे के सारे पसंद आएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हैं। आई नो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और आप अपने अकॉर्डिंग इसको साइज़ को ऑर्डर कर लेना। सॉरी दिस कोल्ड, आई एम सो सॉरी। ओके, तो आज का वीडियो आपको हॉल वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पक्का बताना। वैसे तो आप हमेशा बताते हैं, हमेशा कमेंट करते हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सॉरी ओके, तो और आप इनमें से कुछ भी अगर आपको कोई और भी रिकमेंडेशन चाहिए होगा कोई डिफरेंट वीडियो का तो प्लीज़ आप मुझे देना, क्योंकि ना आप ये मैं आज मीशो का हॉल बना रही हूँ तो ये आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग मुझे सजेशन देते रहते हैं मेरी वीडियोज़ के कॉमेंट्स। वन मोर थिंग, आप लोग ना मुझे इंस्टाग्राम में भी प्लीज़ फॉलो कर लेना, जिससे क्या होगा मैं इनकी वीडियोस या फोटोज़ वहाँ पे भी पिक्चर्स डालती रहती हूँ, वहाँ पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा आउटफिट्स के रिकमेंडेशंस देती रहती हूँ। तो आप क्या होगा कि अगर आप कमेंट के वहाँ पे कमेंट करेंगे, किसी भी पोस्ट के नीचे कॉमेंट करेंगे लिंक या फिर कुछ भी लिखेंगे, तो आपका जो मतलब जो भी आउटफिट का आप मुझसे लिंक मांगेंगे परचेजिंग लिंक, तो वो डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, आपको मुझसे ऐसे बार बार यहाँ पे ढूंढने की ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं, मांगने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली वो लिंक वहाँ पे आ जाएगा। और आप यहाँ पर भी वीडियो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको बाकी वीडियोज़ का भी रिकमेंडेशन फटाफट से आ जाए, नोटिफिकेशन फटाफट से आ जाए। तो चलिए बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।